तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मेरे नए वाले स्पेशल वीडियो में मैथ के लिए। तो हाँ, छोटा सा एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो होने वाला है, कुछ बुक्स के बारे में बताने वाला हूँ और यूट्यूब का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, बेसिकली मैथ का क्लियर कैसे करना है और रीजनिंग का मेन चीज़, मैं कैसे पढ़ता था, मेरा स्टाइल क्या था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल से, मैं कैसे पढ़ता था, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं मिक्स करके पढ़ता था भाई, देखो बुक्स और फिर यूट्यूब और मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता था अलग अलग तरीके से। और अभी एक मुझे मैथ और रीजनिंग के लिए स्पेशली बहुत ही ज़बरदस्त एक बुक दिखाया, तो वो भी बताने वाला हूँ, तीन बुक बताने वाला हूँ बेसिकली। हाँ, टीचर से यूट्यूब के मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, हाँ मैं ये बता सकता हूँ कि कैसे पढ़ना है यूट्यूब से, किस टीचर से पढ़ना है वो खुद डिसाइड कर लो। तो स्टार्ट करते हैं एक प्यारे से लोगों के साथ। तो सबसे पहले चीज़, मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स योर मैथ परफेक्ट। मेन रीजनिंग और मैथ के लिए एक चीज़ ये है कि गर्लफ्रेंड जैसी है मैथ और रीजनिंग, जितना टाइम दोगे उतना तुम्हारे पास रहेगा और जितना ही लापरवाही करोगे उतना ही तुमसे दूर भागेगा। तो टाइम तो देना पड़ता है ना मेरे भाई। तो मेरे लिए मैथ को आखिर स्टार्ट कैसे करना है, मैथ को पढ़ना कैसे है, तो देखो बेसिक कोई भी एक टॉपिक डिसाइड करो। मैं परसेंटेज से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि परसेंटेज हर जगह घुसा रहता है, आलू है ये, तो ये हर जगह घुसा रहता है। तो मान लो कि कोई भी टॉपिक तुम डिसाइड किए तो उसको क्लियर कैसे करना है। तो सबसे पहला चीज़ कि जिस टॉपिक का तुम डिसाइड किए हो उसको बेसिकली या तो अपने टीचर से जहाँ तुम क्लास कर रहे हो या फिर यूट्यूब पे बहुत सारा क्लास पड़ा हुआ है उसको खोलो और वहाँ से जाके पढ़ो, अच्छे से उसका बेसिक क्लियर करो। उसके बाद धीरे धीरे बुक लो, सॉल्व करना चालू करो और जो भी टीचर से पढ़ रहे हो वही टीचर एक क्लियर करता है, क्वेश्चन सॉल्व करवाता है तुमको। एक घंटे दो घंटे में 30, 40, 50, 60 क्वेश्चंस उस टॉपिक से वो सॉल्व कराता ही कराता है 100%। और नहीं कराता जो टीचर तुम्हें साहिल सर का पढ़ता था वहाँ से देख लेना, वहाँ से तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। और मेन चीज़ आता है कि हाँ बेसिक तो क्लियर हो गया, बेसिक आइडिया लग जाता है वहाँ से कि हाँ सॉल्व कैसे किया जाता है, क्वेश्चंस किस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। लेकिन मेन चीज़ स्पीड और प्रैक्टिस, तो स्पीड और प्रैक्टिस कैसे करना है वो देख लो यहाँ पे। तो देखो भाई, ये है मैथ का बुक जो कि मैं बात कर रहा था कि आखिर तुम अगर यूट्यूब का हर चीज़ देख चुके हो तो उसके बाद इसको कैसे इस्तेमाल करना है। किरण पब्लिकेशन वाला है, मैथ का मेरा फेवरेट बुक है, मैं इसको बहुत पढ़ा हूँ बहुत ज़्यादा। इसके लिए आपको पहले अपना डिवाइस अनलॉक करना होगा। तुम क्या बोल रहे हो, गूगल कुछ बोल रहा है यार। तो देखो ये संख्या पद्धति जो भी है ऐसे इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं टाइप वाइज, तो ये चीज़ मेरे हिसाब से इस बुक का सबसे बेस्ट चीज़ है कि तुमको टाइप वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं। तो जो लास्ट में मैं आगे चल के इसका भी यूज बताऊंगा कहाँ करना है। अभी देखो कोई भी अगर बुक खोलते हो तो इसमें सॉल्यूशन वॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, इसमें टाइप वाइज करके दिया हुआ है। तुमको ज़्यादा डिटेल पढ़ना है तो अलग से बेसिक क्लियर करने के लिए एक बुक लेना पड़ेगा। हाँ, इसमें लास्ट में तुमको देखो सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, जैसे ये है तो इन सब का सॉल्यूशन यहाँ पे अच्छे से किया हुआ है। तो हर टाइप से इस बुक में टाइप वन का कितना क्वेश्चन है देखो लगभग 151 क्वेश्चन एक टाइप से, सेकेंड टाइप से इतना है। तो YouTube ख़त्म करने के बाद इस बुक को तुमको इसी तरह से इस्तेमाल करना है कि डेली कम से कम एक या दो टाइप को सॉल्व करो। मेरे हिसाब से 300 क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसमें हर टॉपिक का दिया हुआ है अच्छे से टाइप वाइज। एक टॉपिक का इसमें देखो उत्तर व्याख्या 5 टाइप, 7 टाइप, 10 टाइप इस टाइप का है। इसमें देखो उत्तर व्याख्या 12-13 टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है मिश्रण इरिगेशन का। तो बहुत गर्मी लग रहा है, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि तुमको करना ही पड़ेगा, पहले बेसिक क्लियर करो। बिना मैथ बिना किसी टीचर के हेल्प के नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर तुम सोच रहे हो कि बिना किसी टीचर का हेल्प का सिर्फ बुक से हो जाए तो बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। वो उन टाइप के स्टूडेंट लोगों के लिए है ये बुक, स्टार्ट करने के लिए सिर्फ, जो कि बेसिक उनका क्लियर है। अगर बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो सबसे पहले या तो क्लास लो या फिर यूट्यूब से देखो, हर फ्री टॉपिक पढ़ो भाई यूट्यूब पे फ्री। उसके बाद ये किरण पब्लिकेशन वाला बुक का यूज करना है। और दूसरा बुक सेम ऐसा ही है रीजनिंग का भी, इसमें भी देखो क्वेश्चंस कितने हैं 8700, और मैं अभी भी एसएससी के लिए यही पढ़ रहा हूँ। और रीजनिंग का भी सेम रूल है, तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और दोनों बुक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, समझ रहे हो।
और इसमें भी सेम टाइप वाइज क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, एक टाइप से दो दो सौ ढाई ढाई सौ क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चंस है यार। तो मस्त मजे से इसको जब तक पूरा बुक सॉल्व नहीं करोगे उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। और एक लास्ट प्रैक्टिस वाला बुक दिखाता हूँ, प्रैक्टिस वाला बुक ये देखो, रेलवे एएलपी का ही है ये, तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का। और ये आर के सर को तो जानते ही होंगे, पटना के हैं ये, तो इन्होंने किया है, इनका एक काफ़ी अच्छा है। देखो इसमें ना सेट वन में मैथ और रीजनिंग दिया हुआ है, मतलब इसमें देखो मैथ का ऐसे दिया हुआ है, प्रैक्टिस करके आंसर यहाँ दिया हुआ है 20 क्वेश्चन, और उसके बाद आपका रीजनिंग का आएगा 25 क्वेश्चन। तो इस बुक को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बुक को इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपका हर चीज़ क्लियर हो गया, पढ़ लिए, प्रैक्टिस सिर्फ जैसे हर प्रैक्टिस सेट में मिक्स दिया हुआ है, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री सबका मिक्स दिया हुआ है। इसमें क्या है, सिर्फ मैथ रीजनिंग। तो हाँ, तीनों बुक का लिंक विंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हो डाउनलोड करके, सॉरी डाउनलोड करके नहीं, खरीदना पड़ेगा उसके लिए, खरीद के देख सकते हो। आते हैं मेन वीडियो पे। ये चीज अच्छे से समझ चुके होगे कि हाँ कैसे करना है, और बुक जो मैं बोला वही लेना, क्योंकि मेरा जो डायलॉग है ना, प्रैक्टिस योर मैथ्स परफेक्ट, तो वो इसी से होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो बुक है इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, और सस्ता सुविधा है, 500 का एक और दो, मैथ रीजनिंग का दोनों आ जाता है, क्वेश्चंस बहुत है, सॉल्व करना इजी होगा। इसको उठाओ और जैसे जैसे मैं बोला वैसे वैसे सॉल्व करो। और लास्ट में गधे लोगों के लिए एक टिप देने वाला, सॉरी मतलब जिनको बहुत कम आता है, जिनको मैथ आता ही नहीं है, जिनका मैथ से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, उनको लास्ट में एक टिप दूंगा मैं अभी। हाँ, तो समझ चुके हो कि यूट्यूब का इस्तेमाल कैसे करना है, और ऊपर से कैसे कैसे प्रोसेस बढ़ाना है। और ये एक बुक है जो मेरे हिसाब से ये मैथ और रीजनिंग का ही सिर्फ प्रैक्टिस सेट है। तो इसको तुमको कब सॉल्व करना है, जैसे मान लो कि हाँ सब चीज तुम क्लियर कर लिए, मैथ का हर टॉपिक पढ़ लिए एक बार, यूट्यूब से देख लिए, प्रैक्टिस कर लिए टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज, उसके बाद इसको उठाओ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग के लिए ये है, इसको तुम सॉल्व करो। इससे पता चलेगा कि मेरा वीक कौन सा है, मतलब सारा सब्जेक्ट में सारा टॉपिक तुम्हारा वीक नहीं होगा, प्रैक्टिस सेट लगाओगे ये वाला तो तुमको पता चलेगा कि मेरे से किस किस टॉपिक से, मतलब उस पर ज्यादा मेहनत करना है, किस पे कम मेहनत करना है, तो उस हिसाब से अपना करना चालू करना है कि हाँ भाई मेरा एल्जेब्रा वीक है तो एल्जेब्रा पे ज्यादा मेहनत करना है, मेरा ट्रिग्नोमेट्री वीक है तो उस पे ज्यादा मेहनत करना है। प्रैक्टिस सेट इसीलिए होता है। और मोटा वाला बुक है वो तुमको स्पीड फ्लो बढ़ाने के लिए। और एक प्रो टिप देना चाहूंगा, कभी भी मैथ या रीजनिंग लगाना तो उसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो एक सिंपल बात है कि जितना ही तुम कैलकुलेटर इस्तेमाल करोगे, तुम्हारा क्या है कि वो कैलकुलेशन बहुत स्लो होता जाएगा। तो अगर तुम पहले से ही खुद से सॉल्व कर रहे हो तो मैथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैलकुलेशन। और ट्रिक्स ट्रिक्स के चक्कर में सबसे लास्ट में पढ़ना, जैसे कि आपसे बेसिक से सॉल्व होने लगा क्वेश्चन और आपका कैलकुलेशन फास्ट है, तो मैं आज भी मैं कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ, कोई भी एग्जाम देता हूँ, तो एक भी ट्रिक नहीं मुझे याद है। फॉर्मूला याद है, बेसिक कैसे होता है वो याद है, ट्रिक एक भी नहीं याद है। तो मैं ट्रिक का यूज कभी नहीं किया और ना ही करना चाहता हूँ कभी। तो मेरे हिसाब से तो ट्रिक का इस्तेमाल मत करना मेरे भाई कभी भी। लास्ट में अगर तुम्हारा हर चीज क्लियर हो गया तो ट्रिक कर सकते हो, ऐसे ट्रिक मत करना, प्रो टिप था ये। और लास्टली सेम चीज रीजनिंग के लिए भी करता है कि पहले आप चैप्टर डिसाइड करो, उसके बाद उसका यूट्यूब पे बेसिक देखो, बेसिक कैसे कैसे सॉल्व होता है, कैसे कैसे होता है, उसके बाद उसका क्वेश्चंस देखो, 50-60 क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ कि कैसे कैसे किस टाइप का क्वेश्चन, एक आइडिया बेसिक मिल जाता है। उसके बाद बुक उठाओ और पूरा रट डालो। लोग बोलते हैं कि इतना मोटा बुक है कैसे सॉल्व होगा, यार अगर सॉल्व करने बैठोगे ना एक दिन में 250-300 क्वेश्चन, अगर 2.5 घंटे भी देते हो एक क्वेश्चन पे, तो भी 1 मिनट में अगर सॉल्व कर रहे हो एक क्वेश्चन, स्टार्टिंग का नहीं, थोड़ा 10 दिन बाद का बात कर रहा हूँ, फिर भी तुम्हारा 2.5 घंटे में सोच लो 200 क्वेश्चन, तो आराम से 210 क्वेश्चन सॉल्व होता है। और मैथ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मांगता है, लाइक गर्लफ्रेंड में बोला ही, रीजनिंग थोड़ा सा उससे कम मेहनत करना है मैथ से, क्योंकि अगर मैथ आपको आने लगा एक बार सॉल्व करना, आइडिया आ गया ना, तो रीजनिंग भी खुद पे खुद हो जाता है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तुम मैथ पे ध्यान देना। और लास्टली गधों के लिए प्रोटीन तो ये जो बुक है लास्टली इसमें क्या दिया हुआ है कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो अगर आपसे बेसिक सॉल्व नहीं हो रहा है तो मेरे हिसाब से क्या करना, हर टॉपिक का
मतलब हर चैप्टर का 10-10, 20-20 क्वेश्चन आपसे होगा, उसको याद करना पड़ेगा। एक टाइप का एक क्वेश्चन एक कॉपी पर लिख लो और देख लो कि वो कैसे बनता है, याद करो। अगर रटने का पावर है तो हर टॉपिक से 10-10, 15-15 टाइप के लिख लो अपने कैपेसिटी के हिसाब से और उसको याद कर लो। मैथ के लिए मैं बोल रहा हूँ, और एग्जाम में उस टाइप का आएगा चेप के आ जाना। ये मेरा ट्रिक था, क्योंकि मैं एक दोस्त को अपने बोला था और उसका मैथ में अच्छा नंबर आया था ये ट्रिक से, तो यूज कर सकते हो। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो छोटा सा। हाँ, बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तीनों बुक का। तो तुम लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, सब्बा खैर, अपना ख्याल रखो। हाँ, मैथ हो जाएगा यार, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ये बेसिक आइडिया था। हाँ, कुछ स्पेशल टिप्स जो आएगा वो आगे किसी वीडियो में देंगे, बेसिक ऐसे स्टार्ट कर सकते हो।